गर्व से ऊंचा किया है। उसी देश में शर्म से सर झुकाने वाले लोग भी है। पहले निर्भया आसिमा और अब ट्विंकल शर्मा। ट्विंकल शर्मा यूपी अलीगढ़ की रहने वाली थी। ट्विंकल शर्मा 2.5 साल की छोटी बच्ची थी। ट्विंकल शर्मा के पिता का नाम बनवारी लाल था। क्या 10,000 की रकम बच्ची के जान से ज्यादा है? जी हाँ, आपने सही सुना, 10,000। ट्विंकल के दादाजी ने जाहिर नामक एक व्यक्ति से 50,000 रुपए उधार लिए थे। समय पर रकम नहीं लौटा पाए, जाहिर आग बबूला हो गया और धमकी देकर लौट गया। 30 मई को ट्विंकल खेलते खेलते जाहिर के घर के पास गई। वही उसने वह मासूम बच्ची का अपहरण किया। पहले उसने उस मासूम बच्ची का बेरहमी से बलात्कार किया, फिर उस दरिंदे ने उस मासूम का गला घोटकर मार डाला और 1 जून को शव को वो पास के खेत में डाल दिया। 2-3 बाद वहाँ से बदबू आ रही थी, फिर उन्होंने मासूम के शव को जाहिर के घर के पास के कूड़ेदान में डाल दिया। उस दिन उस मासूम बच्ची के शव को कुत्ते नोच रहे थे। उस मासूम बच्ची की क्या गलती थी? आइए देखते हैं इस मामले पर पुलिस क्या कह रही है। इसके दौरान में जब वादी से पूछताछ की गई उसके पिता बनवारी से, तो उसके द्वारा बताया गया कि जो है उसकी दुश्मनी जो है एक जाहिद नाम के लड़के से है। वो पैसों का लेन देन का विवाद 2-3 दिन पहले हुआ था और उसने जो है उसको देख लेने की धमकी दी थी। उसी के दौरान जाहिद को उठाया गया, जाहिद से पूछताछ की गई, उसके बाद असलम से भी पूछताछ की गई, तो पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ। उसके दौरान ये बताया गया कि किस तरह से उन दोनों ने मिल करके जो है गला घोट के चुन्नी से उसको मारा था और उसके बाद में एक दिन अपने पास जो भूसे में दबा करके उसके शव को रखा था और अगले दिन 1 तारीख की रात को जा करके जो है हरे चुन्नी में उसको लपेट करके और उन्होंने उस जगह पे उसको रख दिया था। उसके बाद में पूछताछ के दौरान में और 161 के बयान नोट करने के बाद में जाहिद को और असलम को जो है जेल भेज दिया गया। वक्त वक्त पर बॉलीवुड भी ऐसी शर्मनाक घटनाओं पर विरोध करता आया है। आइए जानते हैं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने इस शर्मनाक घटना पर क्या रिएक्शन दिया। I have only one question. If something like that happened, God forbid, to someone in your family, would you stand and watch or would you help? That's my only question. And I think these things are allowed to happen. And people stand there and they watch these things happen and they're fine with it because they think it's absolutely fine for something like that to happen to a girl. For men to accept that it's an opportunity for us to do something like this and get away with it, and people in power trying to defend it, it's absolutely horrible. I think as a society, the fact that these things are in certain people's heads acceptable to a certain degree, it's disturbing and it's shocking. And I'm ashamed to be a part of that society. I think we need to change our thinking, be respectful, and as I said, put yourself in that situation and think, how would we feel about it? Jai Hind. It's a very disgraceful, shameful, terrible, terrible thing that's happened. As a girl, as a woman, as an individual, as a human being, as a resident and as a part of this country, I feel very bad and very hurt that something like this has happened. Ek time tha jab main bahut padh rahi thi iske upar, I said, if I keep reading about it, it's just going to make me more and more upset and angry and really, really hurt. Maine tweet mein bhi kaha tha ki I just hope that, I really hope from my heart that justice is served. And yeah, that's all I can say. And I think as a country and as people and as the part members of the media, and I'm sure you guys are doing a fantastic job, but we should really go out there and condemn this because this cannot be happening to us constantly. Ekdam direct bolu, dil se bolu. आज अपने एक इंसान होने पर शर्म सी आ रही है। अपनी बेटी को गोद में उठाए एयरपोर्ट से निकल ही रहा था कि टीवी पर कुछ न्यूज आ रही थी, वहां नजर पड़ी। उसे देखकर पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा, बाय गॉड, लेकिन मेरा खून खौल उठा। एक बेटी का बाप हूं और ना भी होता तो शायद यही कहता कि जो समाज अपनी औरतों को इज्जत नहीं दे सकता, उसे अपने आप को इंसानी समाज कहने का कोई हक नहीं है। और सबसे ज्यादा शर्म की बात पता क्या है, ये बदतमीजी करने वाले लोग किसी दूसरे प्लैनेट से नहीं है, ये हमारे यहां से ही है, आपके और मेरे जैसे घरों से ही है, हम सबके बीच में ही घूमते हैं ये दरिंदे। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। याद रखना, जिस दिन इस देश की बेटी ने पलट के जवाब दिया ना, अगर तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी, अकल ठिकाने नहीं, सुधरोगे तो बात भूल जाओ, सीधा ऊपर सिधार जाओगे। मैं तो जान से मार देता हूँ उनको, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ कि घटिया
जो काम किया हुआ, आई थिंक देश, सारा देश खड़ा हो गया, जो बहुत ही बड़ी बात है. बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, तो बोलने में कभी कभी बोलते हुए ऐसे लगता है कि हम भी पब्लिसिटी के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन खून खौलता है जब ऐसी बातें सुनते. मैं और आती अगर काम करते आ रहे हैं बच्चों के लिए, तो आज से नहीं करते आ रहे, पिछले 27 साल से मैं जुड़ा हूँ सेव द चिल्ड्रन इंडिया से, जो बच्चों के लिए काम करते हैं, और सिर्फ बच्चों के लिए काम करते, बच्चों की पढ़ाई के लिए करते, उन बच्चियों को जो फंसी हुई है गलत जगहों में, उन्हें वहाँ से निकाल कर उन्हें एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए काम करते हैं. तो जैसे कि मैंने कहा कि खून खौलता है. एंड नहीं, आई मीन शर्मनाक बात है. आई थिंक एज इंडियंस हमको शर्म आनी चाहिए कि हम ऐसे यू नो ऐसी चीज़ों को बार बार नज़रअंदाज करते और पास होने देते हैं. लेकिन आई थिंक इस बार देश एक हुआ है और उन्हें सज़ा मिल रही है, और सज़ा छोटी मोटी नहीं होनी चाहिए. सज़ा ऐसी सज़ा होनी चाहिए कि दोबारा किसी को ऐसे सोचने से पहले भी डर लगना चाहिए. ट्विंकल के आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए. MNS News Live की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और